नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं विनय त्रिपाठी एक बार फिर से आपके लिए एक नई एक्सरसाइज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7D के प्रश्नों को करेंगे, जो कि कक्षा 7 की गणित की किताब से लिए गए हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है वो है कि मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग जब भी वीडियो को देखा करें मेरे चैनल पर, तो उसमें चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तो हर एक्सरसाइज वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके सारे वीडियो उसमें एक ही लिस्ट में आ जाते हैं, तो उससे आपको आसानी होगी किसी भी प्रश्न को ढूंढने में, और परेशानी आपको नहीं होगी ऐसे। तो चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है क्रय मूल्य कितना है। इसका क्रय मूल्य जो है वह है 10,200 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है इसका, 11,730 रुपये। तो आप देखेंगे कि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब उसको लाभ हुआ है। तो लाभ जो भी आएगा वो उसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना? तो विक्रय मूल्य था 11,730, इसमें से हम घटा देंगे 10,200, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 आएगा, 3 में से 0 गया 3 आ गया, 7 में से 2 गया 5 आ गया, 1 में से 0 गया 1 आ गया, और 1 में से 1 गया 0 आ गया। तो ये 1,530 रुपये हमारा क्या हुआ, लाभ। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए पिछले एक्सरसाइज में भी हमने बताया था आपको, जो कुल मूल्य है तो कुल कितना उसने इन्वेस्ट किया था, जो मेरा क्रय मूल्य था, तो नीचे आ जाएगा 10,200। लाभ कितना हुआ, 1,530 का, और प्रतिशत निकालना है इसका मतलब 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सिंपल सा हम कर देंगे हल, तो देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 102 का 1,530 में भाग देंगे, तो 102 एकम 102, तो ये यहाँ से 102 चले गए, 53 में बचे 51, 510, तो 102 पंचे 510, तो ये आ गया मेरा 15%। ये क्या हुआ था, लाभ, और यही मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तो दो। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है। एक व्यापारी ने 10 बैल इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख में खरीदे, और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचा, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, फिर से वही काम इसमें भी करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य हम लोग देखते हैं, तो क्रय मूल्य है 3 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, इतने रुपए। अब इसके बाद जो है विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। लाभ हानि के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले हम क्रय मूल्य देखेंगे और विक्रय मूल्य देखेंगे। तो अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में 24,000 का 1 बैल उसने बेचा है, और कुल बैल थे 10, तो 10 का कर लेंगे गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 2,40,000 रुपये। अब क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब उसको फायदा ना हो के इसमें हुआ है नुकसान, यानी हानि हुई है। तो हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अब जो है क्रय मूल्य कितना था मेरा, क्रय मूल्य था 3 लाख रुपए,
और माइनस विक्रय मूल्य था 2,40,000 रुपये, तो अंतर आएगा 60,000 रुपये का। तो ये जो है उसे नुकसान हुआ यहाँ पे। तो अब इसका हम निकाल लेंगे प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत होगा, अब वही काम, कुल कितना था, कुल कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे, 3,00,000 रुपये, और उसे हानि हुई 60,000 रुपये की। और प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें 100 का कर देंगे गुणा। तो नीचे 5 जीरो थी, ऊपर भी 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, अब 6 52 हो गया 60, 60 आ गया ऊपर और नीचे बचा 3, 3 2 6 और 0 आ गया, तो ये हो गया 20% हानि। दोस्तों अब तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो फटाफट प्रश्न नंबर 3 को नोट करते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि एक फर्नीचर विक्रेता एक आलमारी 5,000 में खरीद कर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेच देता है। राकेश ने वह आलमारी कितने रुपए में खरीदी? दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद एक एक करके उनकी सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो एक फर्नीचर विक्रेता ने आलमारी खरीदी इतने में और राकेश को 14.5% लाभ में बेची। तो यहाँ से राकेश ने आलमारी जब खरीदी तो 5,000 में 14.5% उसने लाभ भी ले लिया, तब राकेश को पड़ी जाके। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो राकेश के लिए क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रेता ने लिया था 5,000 में, वो राकेश का क्रय मूल्य थोड़ी ना है, वो तो उसका है, राकेश को उसने 14.5% लाभ में भी लिया है, ठीक है। तो राकेश का क्रय मूल्य कितना होगा, 5,000, तो वो प्लस 5,000 का 14.5% ये होगा जाके, ठीक है ना। तो यहां पर 5,000 प्लस 5,000 का की जगह पर गुणा और 14 2 28 और 1 29/2 और प्रतिशत की जगह पर 1/100, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 से 50 कट गया 25। तो अब ये 5,000 और ये 25 का गुणा हम करेंगे 29 में, तो 29 × 25 25 × 225 5 22 50 और 60 70 2 72, तो ये 725। तो राकेश के लिए क्रय मूल्य पड़ा 5,725 रुपये, ठीक है। और इसी बात को प्रश्न हमसे पूछ रहा था, तो ये तो मेरा आंसर आ गया, समझ गए ना आप। फिर से एक बार हम बता दें, ये लाइन आप ध्यान से इसको देख लो कि 5,000 तो इसने इन्वेस्ट किया था विक्रेता ने और उस पर 14.5% लाभ लिया, तो 5,000 का 14.5%, तो 5,000 वही रहा, ये 5,000 हो गया, का की जगह पर गुणा 14 2 28 और 1 29/2 और प्रतिशत की जगह पर 1/100, प्रतिशत की जगह पर हमेशा 1/100 लिखते हैं, और इसको हल कर दिया, काट पीट दिया और आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और हाँ वीडियो को कृपया पूरा देखा करिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाने से आप लोग उनकी बारीकियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है कि एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा और उसमें घुन लग जाने के कारण उसे 5% की हानि हो गई और उसने वह गेहूं जो है 5% की हानि पे बेचना पड़ा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग निकालेंगे उसका क्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होगा, तो मेरा क्रय मूल्य होगा
980 रुपये प्रति क्विंटल, और 15 क्विंटल है तो 980 में 15 का हम कर देंगे गुणा। तो एक लाइन में गुणा करो, 15 का 0 में हो गया 0, 15 8 15 चौको 60, 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 0 आ गया तो 120 में 12 हासिल हो गया, 15 निम्न 135, और 12 10 जोड़ देंगे 145 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे 147 हो जाएगा। तो इतने रुपए जो है इसका क्लेम हो गया। अब उसको 5% हानि हो गई, तो इस पे 5% हानि हो गई, इसका मतलब कितनी हानि हुई, तो इसका जो है 5% निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो 14,700 × 5, और 5% की जगह पर 1/100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 147 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 7 35 हासिल लगा 3, 5 चौको 20 और 3 23 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 735 रुपये उसको हो गई हानि। तो अब यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आएगा, उसको हानि हुई है ना, तो क्रय मूल्य में से इतना हम घटा देंगे, तो यहाँ से आएगा विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य था 14,700 और उसमें से 735 रुपये घट जाएंगे तो 13,965 रुपये हो जाएगा, और यही मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 700 तो सीधे कट गए, कम हो गए 35 रुपये कम हो गए, तो ये 13,965 हो गए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मेरे लगाने से पहले ही आप लोग प्रश्न नंबर 5 को करिएगा जल्दी से। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर उसे 5% का लाभ होता है, तो फटाक से इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो शुरुआत हमने आपको बताया था क्रय मूल्य से ही करेंगे, और क्रय मूल्य आपको नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम मान लेंगे ₹1 माना। 5% लाभ इसे हुआ है, इसका मतलब एक्स का 5%, तो ये हो जाएगा एक्स का की जगह पर गुणा 5 और 5% की जगह पर 1/100, तो ये 5 × 10 = 0, तो ये हो गया ₹1/20। क्रय मूल्य हमें पता चल गया, लाभ हमें पता चल गया, अब विक्रय मूल्य पे आते हैं। दोस्तों जिस तरह से हम बता रहे हैं आप उस तरह से प्रश्न लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को कर लेंगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप जिसको सॉल्व ना कर पाए। विक्रय मूल्य कितना हमें दिया गया है, 21 रुपये, और विक्रय मूल्य होगा कैसे, लाभ प्लस क्रय मूल्य, ठीक। तो इधर विक्रय मूल्य था 21, तो 21 बराबर लाभ मेरा कितना आया था, लाभ ये आया था ₹1/20, तो ₹1/20 + x, तो ये लासा आ गया, इधर 20 हो गया, और ये एक्स प्लस 20 का एक्स में गुणा हो गया 20x, इधर है 21, तो ये इधर हो गया 20 और 1 21, ₹1/20 = 21, तो यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो ये 21 20 इधर नीचे है चला जाएगा ऊपर, और ये 21 ऊपर है आ जाएगा नीचे, 21 से 21 कट जाएंगे तो एक्स बराबर आ गया ₹20, और यही एक्स मैंने माना था क्रय मूल्य, तो यहीं से मेरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर ₹20। तो इसका मतलब ये हुआ ₹20 का पेन उसने 21 रुपये में बेचा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है कि श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, इस सेट का क्रय मूल्य कितना था। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमें दिया नहीं गया है, इसका मतलब हम मान लेंगे ₹1 माना,
और ये पिछले प्रश्न की ही तरह से है ये प्रश्न भी, परंतु उसमें लाभ हो रहा था और इसमें हानि हो रही है। तो यहाँ पर अब निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो ये क्रय मूल्य का यानी एक्स का 20% हानि से हो रही है इसको, तो एक्स गुणे का की जगह पर गुणा 20 और प्रतिशत की जगह पर 1/100, 20 × 100 तो ये हो गया x/5 रुपए। अब ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य दिया गया था 1280। यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य बराबर 1280 रुपए। और सूत्र के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, चूंकि हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से जो हानि है उसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। हानि तो 1280 इधर हो गया, एक्स क्रय मूल्य था -x/5, तो वही काम यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम यानी लासा, 5 का एक्स में गुणा हो जाएगा 5x-x बराबर 1280 है इधर, 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो 1280 × 5 बराबर 5x में से 1x गया, 4x हो गया। अब ये 4 इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 1280 × 5/4, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8 और 0, तो ये 320 में गुणा हो जाएगा 5 का, तो ये 5 0, 5 2 10 की 0 हाथ से लगा, 1 5 3 15 और 1 16, तो ये क्रय मूल्य कितना निकल के आया है इसका, x बराबर आया यानी इसका क्रय मूल्य कितना आया, 1600 रुपये। और यही मेरा आंसर था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी अगर कोई समस्या या परेशानी है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर और अच्छा वीडियो लगा हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करने से हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, जिससे हम और नए नए और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। तो अब दोस्तों चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर यानी प्रश्न नंबर 7 पे। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है और ये थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन क्या देखा जाए कठिन है ही नहीं, बस इसमें लगभग एक प्रश्न में 2 प्रश्न जोड़ दिए हैं। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय की दर से बेचा, एक गाय पर 5% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% हानि हुई, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ इसको हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे कि जो है सबसे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पहली गाय का बराबर एक्स, ये दोनों गायों का मान लेते हैं, ठीक है, दोनों गायों का रहने दो, क्रय मूल्य इसका एक्स माना, पहले हम पहली गाय का निकालते हैं, ठीक है, पहली गाय के लिए क्रय मूल्य एक्स हो गया और इसमें 5% लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा एक्स का 5% यानी एक्स गुणे 5 × 1/100, 5 × 2 = 10, 0 का 0, तो ये x/20 रुपये हो गया। और विक्रय मूल्य यहाँ से आएगा, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना पर गाय 20,000 रुपये, तो ये भी 20,000 में बेचा था इसको, और
वैसे विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? क्योंकि इसे लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये इधर आ जाएगा 20,000, ये विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने इसका एक्स माना है, लाभ है एक्स बटे 20, तो ये एलसीएम आ जाएगा बटे 20, और ये 20 का एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा 20x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 21x बटे 20 बराबर 20,000। तो ये x बराबर आएगा 20,000 गुणे 20 बटे 21, तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5 जीरो बटे 21 एक्स बराबर, ये आ गया इसका क्रय मूल्य आ गया पहली गाय का, तो ये आएगा 19,047.62 रुपए। इसको भाग देके देख लेना आप, तो यहाँ से इसमें लाभ इसका क्या होगा, ये एक्स तो मेरा क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य हमें दिया गया था, तो लाभ मेरा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये 20,000 में से 19,047.62 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.62 घटेंगे हो जाएंगे 38, और इधर आ जाएंगे 952 रुपये। तो ये पहली गाय के लिए लग गया, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इसका अभी कंप्लीट हुआ है। अब यही काम सेकेंड पार्ट के लिए हम करेंगे, दूसरी गाय के लिए पूरा प्रोसेस यही होगा। थोड़ा सा दोस्तों बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा। क्रयमूल फिर से हम मानेंगे, क्रयमूल जो कि होगा मेरा एक्स रुपये, इसमें लाभ की जगह हमको होगा हानि, तो 10% हानि होगी, इसका मतलब ये होगा एक्स का 10%, तो ये एक्स का की जगह पर गुणे 10% की जगह पर 1/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स बटे 10 रुपये। अब इसका भी विक्रय मूल्य चूंकि सेम था पहली गाय की ही तरह, तो विक्रय मूल्य मेरा होगा 20,000 रुपये, और सूत्र इसका क्या होता है विक्रय मूल्य का, चूंकि इसको हानि हुई थी, तो ये होगा क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। तो क्रय मूल्य था मेरा एक्स माइनस एक्स बटे 10, और इधर आ जाएगा 20,000 रुपये। अब फिर से वही काम लासा लेंगे, 10 × 10x, 1x 10x और माइनस एक्स बटे लासा में 10 आएगा, इधर है 20,000। अब दोस्तों ये 10 इधर आ जाएगा और 10x में से 1x कम हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 9x बराबर 20,000 गुणे 10, तो ये 9 अब नीचे आ जाएगा, x बराबर 200,000 बटे 9। अब इसका हम भाग देंगे तो ये आएगा 22,222 -2.2 रुपये। इसको आप भाग देके देख लेना, तो अब इसमें कुल हानि कितनी होगी, तो ये 22,222.22 -20,000 रुपये, तो अब इसमें इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2,222.22 रुपये, ये इसमें आ गई इसकी हानि। ये इसका दूसरा पार्ट था, ये किस गाय के लिए, दूसरी गाय के लिए। अब कह रहा है कि कुल लाभ या हानि कितनी हुई, तो अब हम यहां से निकालेंगे कुल
लाभ या हानि। तो पहले में हुआ था लाभ, इसका मतलब जो था 952.38 माइन, और लाभ था यानी ये प्लस में था, और ये हानि हुई है मतलब माइनस में, 2222.22। तो माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, इसका मतलब हुई है इसमें हानि। और इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो सिंपल सा है घटाना, ये आप लोग कर लेंगे, 2222.22 इधर 952.38, तो ये 12 में से 8 गए 4, 12 11 रह गए, 11 में से 3 गए 8, यहाँ फिर से 1 हो गया, तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ भी 11 में से 5 गए 6, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ पे 2 की जगह पे हो गया 1, तो ये -1269.84। तो ये माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पर इसको लाभ ना होके इसको क्या हुई है, हानि हुई है, दोनों गायों को मिला के उसको हानि हुई है, और हानि कितनी हुई है, 1269.84। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।